पावर 5 जूल दैट इज सी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट वीडियो पहुंच गए। टू बल्ब हम लोगों के पास, दो बल्ब ले गए मार्केट से हुज रेजिस्टेंस आर इन रेशियो, तो 1:2 है कनेक्टेड इन सीरीज, द पावर डिसिपेटेड हैज रेशियो। अगर आप लोग दो बल्ब ये मार्केट से, हमने एक बल्ब लेके आए और दो बल्ब हमने लेके आए, या हाँ से दो बल्ब, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी से, ऑब्वियसली इनमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी। इसका रेजिस्टेंस आर वन है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, टू बल्ब्स और ये दिया हुआ है आर वन अपन आर टू की जो वैल्यू है वो 1:2 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। पावर डिसिपेटेड इन, अब इसमें कितना पावर डी कंज्यूम होगा पावर, तो बल्ब के लिए अगर देखोगे, फॉर बल्ब, बल्ब के लिए अगर देखोगे तो पावर इज इक्वल टू होता है आई वी, ये, या पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर ओवर आर, दैट इज ये पावर पी। तो करंट की वैल्यू तो सेम है, करंट वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दैट इज पावर एस इन दोनों बल्ब के लिए। अब इन दोनों बल्ब के लिए ये वाला फार्मूला तो लगाया जा सकता है, क्योंकि आई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो आई अगर कॉन्स्टेंट है इन दोनों बल्ब के लिए तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो पावर पी वन अपन पी टू इज इक्वल टू आर वन अपन आर टू, दैट इज 1:2, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज डी ऑप्शन सही है।